अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। अगर चैनल पे आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ ताकि जब जब वीडियो डालूं तब तब सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो। शेयर करने वाली हूँ ये प्रिटी सा लुक विच इज इंडियन ट्रेडिशन लुक, जो कि दिवाली का लुक नहीं है। दिवाली का अगर आपने लुक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर है, वहां से जाके देख सकते हो। बहुत ही प्रिटी लुक किया था मैंने मॉडल पे, तो वो दिवाली मेकअप था। दिस इज नॉट दिवाली मेकअप, बट आप कोई भी ओकेशन में कर सकते हो। ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वाले वीडियो से ये आउटफिट मैंने आज पहना है, और ये ग्रीन ज्वेलरी इस पे कॉम्बिनेशन करने के लिए, एंड द मेकअप लुक्स अमेजिंग। तो ट्यूटोरियल पूरा लास्ट तक देखना, एंड बैकग्राउंड साउंड इग्नोर करो बिकॉज बहुत पटाखे पीछे फूट रहे हैं, दिवाली है इसलिए। ऑल्सो वीडियो में जाने से पहले मैं एक ब्रांड के बारे में बात करना चाहूंगी, विच इज ब्लश बी। तो ब्लश बी से आज मेरे पास है लिपस्टिक और नेल पॉलिश। जो लिपस्टिक मैंने यूज की है वो ब्लश बी की है, इन द शेड वाइन वॉल्स। जो मैंने लिपस्टिक लगाई है वो ब्लश बी से है, एंड इसका शेड है वाइन वॉल्स। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और ये जो इनका ब्रांड है ऑर्गेनिक चीजें बनाता है, और ये आप लोग साउंड को इग्नोर करो। सो ब्लश बी ऑर्गेनिक ब्यूटी लिप नरिशिंग ऑर्गेनिक वीगन लिपस्टिक है, यानी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो वीगन होते हैं। ये नेल पॉलिश भी वीगन नेल पॉलिश है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इनके वेबसाइट की, वहां से जाके प्रोडक्ट चेकआउट करना और आगे पूरा ट्यूटोरियल देखना। मैंने अपना स्किन केयर कर लिया था। स्किन केयर में you know, जो यूजुअली चीज़ें करते हैं हम, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन वगैरह सब कर लिया था। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का स्टॉप क्रीम। ये स्टॉप क्रीम बहुत ही अच्छा है और एक ग्लो प्रोवाइड करता है आपके फेस को। तो जब भी आप ग्लोई डोई लुक कर रहे हो तो ये आराम से ऐसे यूज़ कर सकते हो, तो बहुत शाइन करेगा। उसके बाद यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का कलर करेक्टर व्हील। इसमें से ऑरेंज शेड ले रही हूँ और अपने अंडर आई पर लगा रही हूँ। मुझे इतने डार्क सर्कल्स नहीं हैं बट थोड़े हैं, तो उसे हाइड करने के लिए मैंने यूज़ किया है। और लिप के अराउंड भी यूज़ करूँगी, क्योंकि यूजुअली हमारा जो लिप एरिया होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है हमारी चीक एरिया से, और जहाँ जहाँ पे भी मुझे स्कार्स है, जैसे एक्ने स्कार्स है, तो वहाँ वहाँ पे मैं ऐसे यूज़ करूँगी। एंड उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। आज हम लोग डिफरेंट मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो कंटूर और कंसीलर ब्लशर सब पहले, फाउंडेशन से पहले लगने वाला है। तो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYB का कंटूर स्टिक, और इस मैं अपने यूजुअल पॉइंट्स पे लगा लूँगी। एंड उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर। तो ये है इनसाइड कॉस्मेटिक का 2X कवा मास्टर कंसीलर। बहुत ही अच्छा कंसीलर है, अंडर येलो टोन कंसीलर है, और बहुत ही अच्छी तरीके से ना आपके पिगमेंटेशंस को हाइड करता है। लेकिन उससे पहले कलर करेक्ट करना मत भूलना। तो ये से भी यूजुअल पॉइंट्स पे मैं लगा रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लशर। ब्लशर मैं लिपस्टिक को ही एज अ ब्लशर यूज़ करती हूँ। तो ये लिपस्टिक है नेक्स्ट कॉस्मेटिक की, एंड बहुत ही अच्छा शेड है, बहुत ही अच्छा you know, पिंकी पिंकी एक अच्छा सा लुक देता है। तो जितना भी डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मैं मैक का ना फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद मैं ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी एक एक चीज़। तो सबसे पहले मैं कंसीलर ब्लेंड करूँगी, फिर ब्लशर ब्लेंड करूँगी, उसके बाद कॉन्टोर ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। तो हम फाउंडेशन से पहले इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें हैवी भी नहीं करना है, ऑल्सो हमें चिजल भी दिखाना है थोड़ा फेस। तो ना अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को मैं ब्लेंड करूँगी, और इतना भी नहीं ब्लेंड करना है कि प्रोडक्ट गायब भी हो जाए। आराम से स्मूथली ब्लेंड करना, हल्के हाथ से ब्लेंड करना, क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड स्पीड पे रखा है इसलिए ये बहुत जल्दी जल्दी आपको दिख रहा होगा। बट आराम से प्रॉपरली आप हर एक चीज़ को ब्लेंड करना, ताकि आपके फेस में ना केकी लुक नहीं दिखे। तो दिस इज़ हाउ आई यूजुअली डू। एंड उसके बाद यूज़ कर रही हूँ मैं शुगर का ये फाउंडेशन स्टिक। तो इसका भी शेड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। एंड बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद NYB का ये ना डूई फेस स्प्रे मार रही हूँ मैं अपने फेस पे, मार रही हूँ पाओ तो स्प्रे कर रही हूँ, एंड उसके बाद ब्लेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो
अच्छे हल्के हाथों से अच्छी तरीके से आपको ब्लेंड करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए अगर आपको 5 से 10 मिनट भी लग रहे हैं ना तो ले लो, लेकिन अच्छी तरीके से ब्लेंड करो और हल्के हाथ से ब्लेंड करना। बहुत ही रफ हाथ मत रखना, हार्ड हाथ से करोगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा फाउंडेशन मूव भी हो सकता है और गायब भी हो सकता है आपके फेस से। तो ब्लेंड अच्छी तरीके से अगर हुआ ना कोई भी चीज़ आपका फाउंडेशन, तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारा मेकअप उठ के दिखेगा आपके फेस पे। उसके बाद मैं हाइलाइटेड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिफ्ट मी का। ये थोड़ा मेरे शेड से 1 शेड लाइटर है, तो इसे यूजुअली वही पॉइंट्स पे मैं यूज़ करने वाली हूँ। पूरा जब मैंने इसे लगा लिया उसके बाद मैं बहुत ही एंजॉय करती हूँ अपना काम। मुझे पता है कि मुझे किस चीज़ में ना एंजॉयमेंट मिलने वाला है और करके खुशी होने वाली है। तो मेकअप एक ऐसा चीज़ है जिसे आपको सिखा के बहुत खुशी मिलती है, खुद करके भी बहुत खुशी मिलती है। सो दिस इज़ माई स्ट्रेस बेस्ट ही है मेरा मेकअप। तो जब भी मैं कुछ एंजाइटी में हूँ, एंजाइटी हिट होती है, तो मैं अपनी एंजाइटी को दूर रख कर मैं यहाँ पे लुक करने बैठ जाती हूँ कि नहीं, मेरा स्ट्रेस बस्टर ही मेकअप है। तो आई ऑलवेज डू दैट। सो कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है, अब आँखों पे बेस के लिए भी कंसीलर सेम लगा रही हूँ। अब देख सकते हो मैं कितना एंजॉय कर रही थी एक्चुअली, क्योंकि बाजू में मेरा भाई बैठ के टीवी देख रहा था और मैं तो अपनी धुन के में थी। तो अभी ना ब्रॉन्जर ले रही हूँ शुगर के पैलेट से, और ऑफकोर्स जहाँ जहाँ पे कॉन्टोर किया था मैं ना, वहाँ वहाँ पे एक ब्रॉन्ज इफेक्ट देने के लिए मैंने ब्रॉन्जर यूज़ किया है। एंड आप देख सकते हो, आपको खुद ही दिख रहा होगा कि कितना परफेक्ट इफेक्ट दिया है इसने। और ब्लशर तो बहुत ही ज़्यादा सेटल हो गया, तो ब्लशर को भी मैं सेट करने वाली हूँ। तो सेम मैंने शुगर के पैलेट से ही ब्लशर लिया है और इसे अच्छी तरीके से ना सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं अंडर आई सेट करने वाली हूँ, तो अंडर आई के लिए मैं लूँगी मेबेलिन फिट मी का ये लूज पाउडर और अपने अंडर आई को सेट करूँगी, बेक करूँगी यूजुअली, क्योंकि हम आई मेकअप करने वाले हैं तो बेकिंग करेंगे हम इसको, ताकि जो भी आई फॉल होगा, जो भी आई मेकअप का आई शेड फॉल होगा, तो वो आराम से निकल जाए हमारी स्किन से। बाद बारी आती है आई मेकअप की, तो सबसे पहले रेवोल्यूशन पैलेट ले रही हूँ, मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट, और उसी में से एक ब्लैक शेड लेकर अपने आईब्राउज को फिल कर रही हूँ। हैवी नहीं देना है मुझे, तो ब्राउ पोमेड नहीं यूज़ कर रही हूँ, आई शेड को ही एज अ आईब्रो डिफाइनर की तरह मैं यूज़ करूँगी। एंड या मेकअप में ना बहुत सी चीज़ें आप 2-in-1 कर सकते हो, जैसे लिपस्टिक को एज अ ब्लश, आई शेड को एज अ आईब्रो डिफाइनर की तरह यूज़ कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास हर एक चीज़ का प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके बाद एक ट्रांजिशन कलर लिया है मैंने और अपने आईलिड पे से लगाना स्टार्ट कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने इस बार ना, क्योंकि मैं ज्वेलरी ग्रीन पहन रही हूँ, तो मैंने ग्रीन आई मेकअप किया है, तो एक आई पे मैंने कर लिया था, अब दूसरे आई पे ना ग्रीन कलर मैं डिपॉजिट कर रही हूँ। तो इसे अच्छी तरीके से पहले डिपॉजिट करना है, देन यू हैव टू ब्लेंड इट। उसके बाद मैं लगा रही हूँ शिमर शेड एक ग्रीन कलर का, तो इसे अपने आईबॉल पे लगा रही हूँ मैं, तो एक हेलो आईज़ का इफ़ेक्ट आ जाए, इसलिए मैंने शिमर शेड यूज़ किया है ग्रीन कलर का। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का मस्कारा, एंड दिस इज़ द बेस्ट मस्कारा आई हैव केम अक्रॉस, एंड बेस्ट अफोर्डेबल चीप मस्कारा में ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस आईलैश लगाने से पहले, फेक आईलैश लगाने से पहले मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद अंडर आई पे मैं एक ब्राउन कलर का शेड लेके ब्लेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि पूरा आई लुक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम लगाने वाले हैं फेक आई लैशेज, जिससे क्या होता है पूरा आई मेकअप का गेम ही चेंज हो जाता है गाइस, बहुत रिफाइन कर देता है आपके आई मेकअप को। एंड उसके बाद मैं NYB का द बिग एप्पल ऑफ माय आई कोल लगा रही हूँ, बहुत ही अच्छा काजल है ये भी, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से इसे लगा लूँगी, ताकि पूरा का पूरा आई मेकअप कम्प्लीट हो जाए। उसके बाद नीचे भी मैं मस्कारा लगाऊँगी, ताकि नीचे के भी लैशेज डिफाइन हो जाए। उसके बाद पाउडर ब्रश की मदद से पूरा का पूरा बेक मैं डस्ट ऑफ करना स्टार्ट करूँगी, और इसे अच्छी तरीके से हल्के हाथ से आपको डस्ट ऑफ करना है, ताकि केकी भी नहीं लगे आपका बेस, एंड अच्छी तरीके से डस्ट ऑफ हो जाए, एंड फ्लैशबैक नहीं देना चाहिए आपका लूज पाउडर। उसके बाद मेकअप फिक्सर यूज़ करूँगी मैं एक और बार, ताकि मेरा जितना भी मेकअप मैंने लगाया है वो लॉक हो जाए, एंड अच्छी तरीके से इसे भी मैं डैप कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। एंड उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये मास्टर क्रोम हाइलाइटर, बेस्ट हाइलाइटर, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है ये भी, और ब्राइड्स के लिए स्पेशली आप ये हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ब्राइडल लुक में क्या होता है, आप
आपको फेस थोड़ा सा ना यू नो हाईलाइट करना पड़ता है, ग्लोई दिखाना पड़ता है, तो ये हाईलाइटर बहुत ही अच्छा है ब्राइड्स के लिए। तो अगर ब्राइडल हाईलाइटर ढूंढ रहे हो तो ये एक बेस्ट हाईलाइटर लगता है मुझे, जो कि ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स में आता है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लश बी का लिपस्टिक, तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया था, तो आज मैं ब्लश बी का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। इसका आउटर पैकेजिंग बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर का, और लिप शेड जो मेरे पास है वो वाइन वॉल्स है, एंड इसका शेड कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आज हम यही यूज़ करने वाले हैं अपने लिप्स पे, तो डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ मैं, एंड इसे भी अच्छी तरीके से अपने यू नो लिप पे लगा लूँगी, और बहुत ही अच्छा शेड लगा मुझे ये। एंड ऑर्गेनिक लिपस्टिक है, इनके प्रोडक्ट्स वीगन होते हैं, तो इनका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद ब्लश बी का ही ये नेल पॉलिश लगा रही हूँ मैं, ये कुछ ऑरेंज ग्लिटरी शेड में है और बहुत ही अच्छा शेड है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये ड्राई होने के लिए, बट शेड बहुत अच्छा लगा मुझे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। वेल, इतनी हैवी ज्वेलरीज मैं नहीं पहनती, बट ये लुक के लिए और आप लोगों के लिए मैंने पहन लिया। एंड गले को थोड़ा सा लाइट इसलिए रखा है क्योंकि आप ये झुमके देख सकते हो, बहुत हैवी है। एंड अगर इतने हैवी झुमके पहन रहे हो तो फिर गले में मत पहनो, फिर वो बहुत ज़्यादा गॉडी हो जाएगा। अगर आपको सटल लुक, सटल दिखना है, सिंपल एंड सोबर विद फैशन दिखना है, तो आप गले का अवॉइड कर सकते हो और ऐसे हैवी झुमके पहन सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई वेडिंग गेस्ट मेकअप बोल लो, उस हिसाब से भी अगर आप रेडी हो रहे हो, या किसी भी हिसाब से अगर आपने हैवी झुमके पहने हैं तो गले का नेक पीस अवॉइड करना। एंड या तब तक का ये वीडियो शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल में नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।